हाय एवरीवन, वेलकम टू सेवरी क्विजिन। आज हम प्रॉन बटर मसाला बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप चावल या फिर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए प्रॉन बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो टाइगर प्रॉन यानी कि बागदा चिंगड़ी, इसको अच्छे से धो के साफ करके ले लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 2 प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, इसी से बिरिस्ता बनाना है, 3 टेबल स्पून बटर, 1/4 कप दही, 3 टेबल स्पून मलाई, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून विनेगर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 6 पीस छोटी इलायची, 2 जावित्री, 4 सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले हम प्रॉन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसालों को प्रॉन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 3 टेबल स्पून राइस ब्रैन ऑयल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस प्याज को प्लेट के ऊपर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम पेस्ट बना लेंगे। सेम तेल के अंदर हम मैरिनेटेड प्रॉन डाल देंगे। प्रॉन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए प्रॉन फ्राई हो चुका है। अब इसको एक बोल में निकल कर रख देंगे। सेम तेल के अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून बटर। अब इसके अंदर डाल देंगे जावित्री, छोटी इलायची और सूखी लाल मिर्च। इसको 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इस तेल के अंदर डाल देंगे लहसुन, अदरक। लहसुन और अदरक को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में सारे मसालों को डाल देंगे और इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून तेल। तेल के अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। अब इसके अंदर मसाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून पानी। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिरिस्ता पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे टोमेटो केचप। केचप को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे फेटा हुआ दही। दही डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें, वरना दही फट जाएगा। अब डालेंगे फ्राई किया हुआ प्रॉन्स। सारे मसालों के साथ
प्रॉन्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी डाली है। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे रोस्टेड कसौड़ी मेथी। कसौड़ी मेथी को हाथों में लेके थोड़ा सा मसल के डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून बटर और घर पर जमाया हुआ मलाई। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे विनीगर। आपके पास अगर विनीगर ना हो तब नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को लो में रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्रॉन बटर मसाला बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।